अखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मेदिनीनगर के जनकपुरी अंतर्गत बूथ संख्या 250 पर बूथ अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। मौके पर उपस्थित ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का विरोध किया था। 1953 में मुखर्जी को गैर कानूनी तौर से कश्मीर में घुसने के प्रयास के कारण 11 मई को गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बूथ अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुखर्जी ने 370 का प्रखर विरोध कर आंदोलन चलाया। भाजपा के नायकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सबसे ऊपर है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री शुभक तिवारी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री बंटी सिन्हा ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह, कार्य समिति सदस्य रविन्द्र तिवारी, ग्रामीण मंडल कोषाध्यक्ष अमर मिश्रा, श्रीकांत तिवारी, सत्येंद्र तिवारी, जमुना प्रसाद, विजय पांडे, राहुल तिवारी एवं काफी संख्या में बूथ संख्या 250 के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्रामीण मंडल मेदिनीनगर के अंतर्गत ग्राम बारालोटा बूथ नंबर 250 पर अपने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि जो हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, आज स्मृति दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था। ये एक रईस परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी शिक्षाविद थे और बड़े ही कम उम्र में ये मेधावी छात्र थे। बचपन से ही इनके अंदर एक प्रतिभा देखी जाती थी। थोड़ी सी इनकी जीवनी पे मैं चर्चा कर दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 22 वर्ष के उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। उस समय अंग्रेज की सरकार थी और बंगाल में बंगाल विभाजन को लेकर कई तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती रहती थी। मुखर्जी अपनी बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर इंग्लैंड से आए थे, लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम अपनी जीवन अब हम राजनीति के लिए, समाज सुधार के लिए राजनीति में प्रवेश किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उस समय अंग्रेज की सरकार आपस में भेदभाव कर जाति धर्म के आधार पर तोड़कर और यहाँ पे सत्ता में अपना काबिज रखना चाहती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जो आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था, परंतु कांग्रेस के अंदर एक किसी विशेष धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति चल रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व के लिए आगे नहीं बढ़ा तो जो आज गांधी जी की विचार है या कांग्रेस की विचार है, ये हिंदुत्व को एकदम दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किसी एक धर्म को की तुष्टिकरण की नीति से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में जब सरकार बनी तो पहला सरकार में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने। लेकिन आपको बता दूं कि जब देश आजाद हुआ तो कश्मीर को हमारे देश